नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। बेलागवी जो काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, एक सीमावर्ती शहर है जो कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हमेशा से विवाद का कारण बना रहा है। दशकों पुराना विवाद 2022 में फिर से भड़क गया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र में जट तालुका पर दावा करने पर विचार कर रही है। अब ये जट तालुका पर जो दावा करने की बात की गई, उसके दावा करने का कारण 2021 की वह घटना है जिसमें महाराष्ट्र के सांगली जिले के सूखाग्रस्त जट तालुका की सभी 40 ग्राम पंचायतों द्वारा कर्नाटक में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार अपने लोगों को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के विकास के लिए विशेष धनराशि देने का निर्णय लिया। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में रहने वाले उन सभी कन्नड़ियों के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, कर्नाटक एकीकरण आंदोलन और गोवा की मुक्ति में लड़ाई लड़ी, उनको पेंशन का भी प्रस्ताव रखा। इससे यह हुआ कि बेलागवी का मुद्दा जल्द ही भड़क गया और दोनों तरफ, मतलब बेलागवी की जो सीमा है उसके दोनों तरफ कड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह मुद्दा इतना भड़का कि कन्नड़ समर्थक और मराठी समर्थक द्वारा सीमा के दोनों ओर कड़े विरोध प्रदर्शन तक हो गए, यहां तक कि कुछ जगहों पर हिंसात्मक झड़पें भी हुई। मामला इतना बढ़ा कि केंद्रीय गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, परंतु इसके बाद भी यह रुका नहीं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा ने 22 दिसंबर को सर्वसम्मति से अपने हितों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और महाराष्ट्र को एक इंच जमीन नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे इस मामले को और तूल मिला। प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र विधानसभा ने 27 दिसंबर को सर्वसम्मति से कर्नाटक में बेलागवी, कारवार, निपानी, बीदर, भालकी सहित 865 मराठी भाषी गांवों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से एक प्रस्ताव पारित कर दिया। आखिर क्या है कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच सीमा विवाद का कारण? तो दोनों राज्यों के बीच उग्र सीमा विवाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के साथ शुरू होती है। 1957 में सीमाओं के सीमांकन से नाखुश महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनर्गठन की मांग की। महाराष्ट्र ने मराठी भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा। महाराष्ट्र ने स्वतंत्रता से पहले जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 814 गांव और बेलागवी, कारवार और निपानी की 3 शहरी बस्तियों पर अपना दावा किया। महाराष्ट्र ने बेलागवी पर दावा ठोकते हुए 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। इस बीच कर्नाटक ने लगातार तर्क दिया है कि बेलागवी को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करना विवाद की विषय वस्तु है ही नहीं। कर्नाटक सरकार ने अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए 1967 के महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन का हवाला दिया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक ने अपने क्षेत्र में कोल्हापुर, शोलापुर और सांगली जिले के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए तर्क दिया है। 2006 से कर्नाटक ने बेलागवी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित करना शुरू किया। 1960 में दोनों राज्यों द्वारा एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन यह आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी और प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी सरकारों को रिपोर्ट सौंपी। बाद के दशकों में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कई बार मुलाकातें जरूर की हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच जो सीमा विवाद की बात होती है, तो उसमें बार बार महाजन आयोग की बात आती है। तो 1966 में महाराष्ट्र सरकार के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1967 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले मेहर चंद महाजन, जो भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की, जिसकी रिपोर्ट चुनाव के बाद जारी की गई। इसने सिफारिश की कि 264 गांव को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाए और बेलागवी, जैसे कि बेलगाम के रूप में भी जाना जाता था, और 247 गांव कर्नाटक के पास रहे। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जबकि कर्नाटक ने इसका स्वागत किया
कर्नाटक ने तर्क दिया कि या तो महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए या यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। महाजन समिति की रिपोर्ट आने के बाद के दशकों में बेलागवी जनसांख्यिकी और आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है। मध्यवर्गीय कोर क्षेत्र और शहर के आसपास मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी लोग हैं, लेकिन बेलागवी और उसके आसपास अच्छी संख्या में लोग मराठी और कन्नड़ दोनों बोलते हैं। दो भाषाई समूहों के बीच यहां तक कि अंतर सामुदायिक विवाह भी हो रहे हैं। अब इस स्थिति में आगे की राह क्या हो सकती है? तो दोनों राज्यों में सीमा विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दल अपने वैचारिक और अन्य मतभेदों के बावजूद अपने स्टैंड में एक साथ हैं कि बेलागवी और अन्य मराठी भाषी गांवों को उनके राज्य का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं कर्नाटक, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, इस विवाद को महाजन समिति की सिफारिशों के आधार पर सुलझा हुआ मानते हैं। इन परिस्थितियों में एक राजनीतिक समाधान अभी काफी दूर नजर आ रहा है और एक कानूनी उपाय ही एकमात्र रास्ता है। इस कारण मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच जो मौजूदा सीमा विवाद है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उससे संबंधित आयोग क्या है और आगे क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।